तो दोस्तों आज हमारे मुर्गों का पहला दिन है पार्क के अंदर। अभी अभी मैंने इनको उस पार्क में छोड़ा है। ये वही पार्क है दोस्तों जहाँ मैं कुत्ते घुमाता हूँ। अभी तक तो हमारे डॉग्स यहाँ पे घूमते थे और अब हमारे मुर्गे भी यहीं घूमेंगे। दोस्तों हम भी कोई 25 या 30 दिन का चैलेंज लेके देखते हैं कि हमारे पट्ठे में क्या ग्रोथ आती है। पट्ठा आप देख सकते हैं मरा हुआ था, पट्ठा बहुत ज़्यादा वीक है, आप सबको दिख रहा होगा जो मुर्गेबाज भाई हैं। देखिए बिल्कुल खाली पड़ा है बच्चा, पट्ठ भी थोड़ी ढल गई है दोस्तों क्योंकि ये खुली जगह से आई थी। और पट्ठा काफ़ी खुश दिख रहा है पार्क में आके, अभी 5 मिनट ही हुए हैं और इसने पैर चलाने शुरू कर दिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, मैं आपका भाई राहुल स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शौक बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों नए भाई जिनको पट्ठा तैयार करना है या कमज़ोर पट्ठे की कमजोरियाँ कैसे दूर करते हैं, उनका वेट गेन कैसे करते हैं, वो सारी दोस्तों मैं आपको सारी टेक्निक इन वीडियो में बताऊँगा, डे बाई डे की अपडेट दूँगा पट्ठे की। तो आज पहला दिन है, फिलहाल इनको घूमने देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद घर ले जाके इनको क्या खिलाया क्या पिलाया और कैसे इनमें जान डाली जाती है, पोटे की या लीवर की ताकत कैसे बढ़ाई जाती है ताकि अच्छे से पचा सकें और शरीर में लगें, सब कुछ जानकारी दूंगा दोस्तों। 20-25 दिन का हम भी एक चैलेंज लेके देखते हैं और पट्ठा कैसा तैयार होता है वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों पैर पैर चलने इनके स्टार्ट हो गए हैं, चुभ रहे हैं दोनों, साथ साथ हैं और काफ़ी दिन हो गए इन्होंने सैंड बाथ भी नहीं लिए, तो हो सकता है अभी थोड़ी देर में ये मिट्टी में नहाना शुरू करें। तब तक आप पार्क का व्यू देखिए दोस्तों, अगर ऐसी जगह में मुर्गे सुबह से लेकर शाम तक खुल जाएं और ख़ासकर अगर एक बच्चों वाली मुर्गी जिसके नीचे मात्र 20 दिन के बच्चे हों और ऐसी जगह में अगर मादिन खुल जाए तो आप देख सकते हैं बच्चों की ग्रोथ क्या होगी। क्योंकि दोस्तों ऊपर से पेड़ एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं पूरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पर्सनली मुर्गों के लिए ये एरिया बहुत अच्छा है और मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी है। बाकी है कि हमने दोबारा मुर्गबाजी तो करनी नहीं है, लेकिन ये अपना शौक तो पूरा कर ही सकते हैं। तो साथ बैठेंगे थोड़ी देर, 40-50 मिनट इनको हम देंगे पार्क के अंदर और फिर देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है पट्ठे में एक महीने के अंदर। तो दोस्तों जिन चीज़ों के फ़ायदे हैं उन चीज़ों के नुकसान भी होते हैं, ये मैं बताता हूँ आपको क्या नुकसान है। फ़िलहाल हमारे मुर्गे यहाँ पर घूम रहे हैं और ये अर्जुन यहाँ पर खड़ा हुआ है मुर्गों को देख रहा है, लेकिन मैं दिखाता हूँ कि नुकसान क्या है। नुकसान ये दोस्तों आपको पता है पार्क है, बड़ा पार्क है तो शिकारी भी रहते हैं और इनके लिए तो जंगली कुत्ते, और मैं आपको दिखाता हूँ ये बिलोटा आपको दिख रहा होगा बैठा हुआ, ये देखिए बिलोटा, जब से मैं पार्क में मुर्गे लेके आया हूँ ये बिलोटा भी यहीं बैठा हुआ है और पूरी ताड़ में बैठा है कि कब इसको मौका लगे और ये पट्ठे को या पट्ठे को जख्मी कर दे या उठा के ले जाए। तो दोस्तों नुकसान और फ़ायदे तो होते ही रहते हैं और आप जगह देखिए, देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पापा भी जो है कबूतर बंद कर रहे हैं, ये देखिए कुछ यहाँ बंद हो चुके हैं जाल में जो बाहर होते हैं, अब बाकी जो है अंदर बंद होंगे, उसके बाद हम खोलेंगे अपने मुर्गे। तो दोस्तों ये खुल गया हमारा पट्ठा और अब ये खाएगा बाजरा। बाजरा जो है दोस्तों मैंने अभी अच्छी तरीके से धो लिया पानी में, आपको दिख रहा होगा कि गीला बाजरा है। तो दोस्तों बाजरा भी भिगो के साफ़ करके अच्छे से देना चाहिए मुर्गों को और हमारा पट्ठा जो आते खाने लग गया है और अब हमारी पट्ठी भी आएगी, इन दोनों को हाथ से खिलाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारी पट्ठी भी जो आ गई है और अभी इनकी शाम की डाइट जा रही है। दिन में मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मैं भीगी रोटी दी थी इनको, तो आज इनके पोटे में जो है शाम तक भीगी रोटी का असर हमें देखने को मिला है क्योंकि पोटा जो है हल्का भरा हुआ था। और अब जो है इनको रात को बाजरा देंगे और थोड़ी देर ये घूमते रहेंगे छत पर ही। आह पट्ठा जो है दोस्तों हमारी माँ दिन को मारता है जब खाना खाती है, तो इसलिए वो थोड़ा इससे अलग होकर खाना खाती है। अब वो थोड़ा नीचे देखे वहाँ चुप के दाना वाना खाएगी और हमारा पट्ठा जो है शान से हमारे साथ खाता रहेगा। देखिए अब ये वहाँ पहुँच गया, ना जाने कि ये क्या खा रही है, कहते हैं ना वैम का कोई इलाज नहीं है। आह ये देखिए अभी इसको मारेगा और खाने नहीं देगा, ये देखिए आते ही मारता है इसको ये। तो दोस्तों ये था आज की छोटी सी वीडियो, में फिर आपसे मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों प्लीज़ कोशिश कीजिए चैनल को बढ़ाने की क्योंकि मैं इस पर जो है पैट्स की एडवर्टाइजिंग भी करता हूँ और जितना जो दोस्तों आप इसको ज़्यादा फैलाएँगे, जितने लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे जाहिर सी बात है उतना ही आपको भी हेल्प होगी, जो मेरे भाई कबूतर बेचते हैं या मुर्गे बेचते हैं या डॉग्स बेचते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।